हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। आजकल के 10 में से 5 बच्चों को ये प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स का, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टॉन्सिल्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए क्या होता है, हमारे गले में बिल्कुल लास्ट में दोनों तरफ एक एक झिल्लियाँ होती है, ऊतक बोला जाता है इन्हें, जो होते हैं छोटे छोटे राजमा के साइज के, राजमा देखे होंगे आपने, उसके साइज के होते हैं। जब हमें टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है और ये बादाम जितने बड़े हो जाते हैं, मतलब दोनों तरफ से इतने बड़े हो जाते हैं जैसे दोनों तरफ एक एक बादाम हो। जब ये बड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा गले में दर्द और खाने में दिक्कत होने लगती है। उनसे खाना चबाया नहीं जाता, उनसे खाना खाया नहीं जाता, ये दिक्कत बच्चों को होती है। धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ के उन्हें फीवर, कोल्ड, कफ रेगुलर रहने लगता है। तो अगर आपके बच्चे को भी है खांसी, जुखाम और बुखार रेगुलर रहता है, तो जरूर चेक कीजिए कहीं उसे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी हम बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर इसको ना बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो रहा है, या डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो। फीवर का मुंह से क्या कनेक्शन है? डॉक्टर हमेशा यही चेक करते हैं कि कहीं उसे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन तो है। और वो इन्फेक्शन कैसे ठीक होता है? एंटीबायोटिक देके। देखिए क्या होता है, मैं बच्चे को एंटीबायोटिक दे रही हूँ, कुछ टाइम के लिए तो वो इन्फेक्शन शांत हो जाएगा, पर खत्म नहीं होगा। फिर वही होगा, 7 दिन 10 दिन बाद बच्चे को फिर से फीवर हो जाएगा, फिर से कफ कोल्ड हो जाएगा। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम कुछ घरेलू तरीके से ये टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ भी ठंडा नहीं देना है। ठंडा मतलब जैसे खाना भी हम उसे देंगे तो हल्का गर्म होना चाहिए। दूध, पानी, कुछ भी पीने के लिए दे रहे हैं तो उसे हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए हल्का गर्म से क्या होता है ना, उसके टॉन्सिल्स पे थोड़ी सी सेक लगती है। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि भाई जब गर्म खाना खाते हैं ना, तो हमारे टॉन्सिल्स पे थोड़ी सी सेक लगती है, जिससे बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है बच्चों को, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी जूस और आइसक्रीम, ये 4 चीज़ें बच्चों की फेवरेट होती हैं। पर अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के टॉन्सिल जल्द से जल्द कम हो, तो इन 4 चीज़ों से बच्चे को रखिए पूरी तरीके से दूर। दूसरा तरीका, अपने बच्चे को आधे चम्मच शहद में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसे खाने के लिए दीजिए। देखिए क्या होता है, हल्दी के गुण तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है वो। डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं, इससे अच्छा तो हम घरेलू एंटीबायोटिक यूज़ करें। हल्दी दीजिए उसे शहद में खाने के लिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे चटाते रहिए, इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। गरारे बच्चे को जरूर करवाइए, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के उसे गरारे करने के लिए दीजिए। ये नहीं कर सकता है बच्चे, तो उसे बोलिए थोड़ी देर मुंह में पानी रख के थोड़ी देर ऊपर सर करके करने के लिए, उससे क्या होता है उससे टॉन्सिल्स में सेक मिलती है। बहुत ही कारगर तरीका है ये गरारे करने का, तो ये बच्चे को जरूर करवाइए। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि गरारे करते वक्त जो भी आप पानी दें वो पीने वाला हो। ऐसा नहीं है कि टंकी का पानी लिया और वो गरारे करने के लिए दे दिया, क्योंकि कुछ पानी बच्चा पी भी लेता है, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इसने गंदा पानी पी लिया। हमेशा साफ पानी दीजिए उसे गरारे करने के लिए। जिस तरह हम लोग शहद में हल्दी डाल के खा सकते हैं, उसी तरह कई बच्चे शहद में अदरक का रस डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा भाई हल्दी नहीं खा रहा कलर देख के, तो हम शहद में थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल के वो मिक्स करके खिला सकते हैं बच्चे को। थोड़ा थोड़ा सा चटाते रहिए, नहीं तो आधा चम्मच खिला दीजिए, इससे भी बच्चे के टॉन्सिल्स में बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए फिर, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपके बच्चे को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये नुस्खे आजमाइए और उसकी ये प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि ठंडी चीज़ें जो हैं ये टॉन्सिल्स को और बढ़ाती हैं, आपके बच्चे को और ज़्यादा परेशान करती है, तो ठंडी चीज़ों से बच्चे को ज़रूर बचा के रखिए। गरम खाना दीजिए बच्चे को खाने के लिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए। हल्का गरम दूध, हल्का गरम पानी उसे पीने के लिए दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि टॉन्सिल्स का साइज बहुत जल्दी छोटा नहीं होता है। कई पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ना बीमार तो जल्दी नहीं होता, पर उसके टॉन्सिल्स नहीं ख़त्म हो रहे। तो टॉन्सिल्स का साइज बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है, एक लंबे टाइम तक जब आपका बच्चा बीमार नहीं होगा ना, तभी उसके टॉन्सिल्स का साइज कम होगा। पर अगर आपका बच्चा धीरे धीरे कम बीमार पड़ रहा है, तो समझ लीजिए उसके टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे कम। तो चलिए फिर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा।
हर उस पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चों को शायद है टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।